लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक मुझे आज पसंद है वो है एनसीसी यानी कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस। 91 रुपए के आसपास के निजी करंट लेवल्स हैं स्टॉक के, और मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में अगर बाजार में कोई भी वॉलेटिलिटी आती है और ये स्टॉक 80-85 के जोन में अगर कोई डिप दिखाता है तो वहां पर इसमें खरीदारी करके चलें। जिस तरह से लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप है निजी, 10 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने की कगार पर ये स्टॉक है, एक बड़ा मूव स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 85-90 के आसपास इसमें एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। 70 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 100 रुपए के ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलता है और पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा यहाँ पर 1 साल का टारगेट 150 और 180 रुपए का है। जिस तरह का टेक्निकल सेटअप है और जिस तरह का ऑर्डर फ्लो रिसेंट पिछले कुछ दिनों में हमने न्यूज देखने को मिली है, मुझे लगता है स्टॉक जरूर पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये आने वाले 6 से 8 महीने में बड़ी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। आने वाले 7-8 महीनों में बड़ी तेजी बन सकती है। एनसीसी लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आता हुआ दिख रहा है और बजट से ठीक पहले एक्शन में आने वाला है स्टॉक भी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से जुड़े शेयर सारे मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक हिमांशु जी की तरफ।